आप सभी का मेरे चैनल गोवा व्लॉगर नंदिता में स्वागत है। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि क्या क्या गोवा में ओपन है और क्या क्या नहीं, तो आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि गोवा में इन सब चीजों के अलावा सब ओपन है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, अरम्बोल बीच। अरम्बोल बीच पूरा ओपन नहीं है और यहाँ पर सैक भी बहुत कम ओपन है। यह बीच रशियन बीच के नाम से भी जाना जाता है। नंबर टू, मॉन्ट्रेम बीच। यह बीच अभी नहीं खुला है। इस बीच पर आपको अभी विजिट नहीं करने की मैं सलाह दूंगी, क्योंकि एक दो सैक ही ओपन हैं और पीने के लिए पानी भी नहीं मिल पाएगा। नंबर थ्री, स्वीट वाटर लेक। इसे फ्रेश वाटर लेक भी कहा जाता है, जो कि गोवा की एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है, अभी ओपन नहीं है। मैंने ऑलरेडी इस ब्यूटीफुल लेक का वीडियो बनाया है, आप चेक कर सकते हैं। नंबर फोर, हिप्पी मार्केट। यह एक ऐसा मार्केट है जो कि विदेशी लोग अरम्बोल बीच पर लगाते हैं। ये अभी ओपन नहीं है। हिप्पी मार्केट कैसे लगता है आप मेरे वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं। नंबर फाइव, सैटरडे नाइट मार्केट अरपोरा। गोवा का फेमस सैटरडे नाइट मार्केट अभी ओपन नहीं हुआ है, क्योंकि नाइट मार्केट वाले एरिया में अभी तक पानी भरा हुआ है। ये भी दिसंबर लास्ट तक स्टार्ट होने की संभावना है। नंबर सिक्स, अरम्बोल बाबा। ये नाम हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो, लेकिन ये इंडियन टूरिस्ट के साथ साथ विदेशी टूरिस्ट का भी बहुत पसंदीदा प्लेस है। यह प्लेस अरम्बोल बीच के पास एक पहाड़ी में स्थित है, जहां जाकर आप बाबा जी से मिल सकते हैं और उनके साथ सिंगिंग के साथ साथ उस वाटर में रहकर आप इंजॉय कर सकते हैं और आपको अच्छा लगेगा। अंत में मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि इन सिक्स फेमस जगहों के अलावा गोवा का पूरा टूरिज्म ओपन हो गया है। आप विजिट करके अपनी छुट्टी इंजॉय कर सकते हैं। जहां तक इन जगहों की ओपन होने की बात है, ये सारे प्लेस दिसंबर लास्ट तक ओपन हो जाएंगे, तब मैं इन सब का वीडियो बना दूंगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।